अलवर जिला ब्राह्मण सभा युवा प्रकोष्ठ द्वारा ब्राह्मण छात्रावास परशुराम सर्किल पर आयोजित किया गया। शिविर का आरंभ विशंबर दयाल वशिष्ठ अध्यक्ष जिला ब्राह्मण सभा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। चिकित्सा शिविर में 13 रोगों के विशेषज्ञ उपस्थित रहे तथा उनसे जुड़ी हुई जांचें और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध रही तथा पंकज शर्मा महामंत्री अलवर जिला ब्राह्मण सभा युवा प्रकोष्ठ ने बताया कि शिविर में 225 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ लिया तथा महेश उपाध्याय अध्यक्ष अलवर जिला ब्राह्मण सभा युवा प्रकोष्ठ ने बताया कि रक्तदान शिविर में रक्त का संग्रहण किया गया। देखिए भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में आज प्रातः 8:30 बजे से भगवान परशुराम जी के मंदिर दिल्ली दरवाजा पर श्री रामायण जी के पाठ का शुभारंभ हुआ है और कल प्रातः वो संपूर्ण होंगे। उसके बाद भगवान परशुराम जी के मंदिर में ब्राह्मण छात्रावास में ध्वजारोहण हुआ है और अभी ब्राह्मण हॉस्टल में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। ब्राह्मण समाज के युवाओं में ब्लड डोनेशन के प्रति भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल जैसे रामायण जी संपूर्ण होगी 108 कन्याओं का पूजन किया जाएगा। उसके बाद शाम को परशुराम सर्किल से और नंगड़ी के चौराहे तक पूरे मार्केट को होकर के और मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी, फिर वाहन रैली, और उसके बाद परसों 4:15 बजे भगवान परशुराम जी के मंदिर दिल्ली दरवाजा से भव्य शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी की निकाली जाएगी। इसी तरीके से 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे और मुझे इस बात को जानकर खुशी है कि ब्राह्मण समाज में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए भारी उत्सुकता है। लोग बहुत उत्साहजनक कार्य कर रहे हैं और सभी लोग पूरा समाज एकजुट होकर के इस कार्य में लग रहा है। इसके लिए मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ। भाई साहब की